एसटीवी न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा के वार्ड क्रमांक 3 राजापारा में पानी के लिए त्राही त्राही हो रहे हैं वार्डवासी। एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन को इस बात से अवगत कराया। पानी पूर्ति हेतु पालिका प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलंब पानी की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने टैंकरों में पानी सप्लाई करने की मांग की। पानी की समस्या से राहत नहीं मिलने पर वार्डवासियों द्वारा उग्र आंदोलन एवं एनएच पर चक्का जाम करने की चेतावनी देते हुए पालिका प्रशासन से निवेदन की। क्या नाम है? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव, कौन नंबर वार्ड में आते हैं? वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। तब पानी की समस्या तुम मतलब है बहुत ज्यादा? पानी की समस्या तो ज्यादा है कि लड़का मन प्यास में मर जाते हैं। कब से पानी की समस्या है आप मतलब? 4 महीना हो गए पानी की समस्या हम मतलब। पानी आते नहीं है? पानी आते नहीं है। गली गली में किंदरा था तब पानी नहीं मिला था। हमारा टैंकर देवो का नगर पालिका टैंकर की भी नहीं है जरूरत। यहाँ टैंकर भी नहीं आते वार्ड में। हर वार्ड में पानी जाते है। पानी की कोई समस्या का हल नहीं करते। एक जानकारी आप मन काला दे हवा नगर पालिका जानकारी है। दौड़ दौड़ के नगर पालिका जाते हैं, उनके कोई सुनाई नहीं है। पार्षदों के रह रहे तुम पार्षद भी हम और पारम है तो पार्षद कोई काम के नहीं है। कोई सुनाई नहीं है पार्षद के। तो पार्षद कर जाके क्या कर वो हमारे पानी के हमारा जरूरत पूरा नहीं कर सका थे नगर पालिका का। हमारे पानी की इतना समस्या कि अभी हमें तत्काल पानी की जरूरत है। एक तो बोरिंग नहीं है, नल नहीं है, कछु नहीं है हमारे पारा में। बोरिंग भी बनाए के कोशिश में नहीं है नगर पालिका। आदेश ऊपर आदेश दिए जाते लेकिन आदेश के कोई प्रबंध नहीं है। तो पानी यदि तुम नहीं मिली तो उग्र आंदोलन करिए। हम करना चाहते हम चक्का जाम कर देवो। ये चक्का जाम में भी गया आदेश तो मान ही है। 9 बिंदु लगाए थे, 9 बिंदु में कोई कार्य होते नहीं है। ये चापा वार्ड नंबर 3 में जो पानी की समस्याएं हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? वार्ड नंबर 3 में पाइपलाइन का कार्य कराया जा चुका है जी। चूँकि नया फिल्टर प्लांट से उसको जोड़ना बाकी है और हम उसको आज जोड़ रहे हैं जी। और प्रयास ये कर रहे हैं कि शाम तक या कल तक जी हमारा जो फिल्टर प्लांट से पाइपलाइन जो है जुड़ जाएगा जी। और आज शाम से ही या आने वाले कल सुबह से वहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध हो जाएगा।